पुलिस अधीक्षक डी कल्याण चक्रवर्ती के निर्देशन में वारदात करने वाले बदमाशों की धरपकड़ का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वारदात करने वाले बदमाशों की धरपकड़ को दृष्टिगत रखते हुए थाना जिगना पुलिस ने वारदात करने की नियत से घूम रहे दो हथियारबंद बाइक सवार बदमाश को गिरफ्तार किया। जिगना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर निचरौली जिगना रोड से रघुवंशी पाल और ब्रजभान पाल को गिरफ्तार कर दो अवैध हथियार बरामद कर लिए। पकड़े गए बदमाशों की निशानदेही पर पुलिस ने जनवेद पाल को गिरफ्तार कर एक 315 बोर का कट्टा बरामद कर लिया। जिगना थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा की ये पूरी कार्यवाही रही। कल दिनांक 25/11/2019 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि निचरौली से जिगना की तरफ एक सिटी 100 गाड़ी से दो लड़के आ रहे हैं, इनके पास अवैध हथियार हैं। सूचना पर हमने पुलिस बल के साथ फील्डिंग लगाई निचरौली वाली रोड पर, तो वहां पर दो लड़के हमने पकड़े एक सिटी 100 गाड़ी के साथ। एक लड़का था रघुवंशी पाल, दूसरा था ब्रघवान पाल। रघुवंशी पाल निवासी पठारी, ब्रघवान पाल निवासी महुआ, थाना धीरपुरा। रघुवंशी पाल के कब्जे से एक सिंगल शॉट 315 बोर की देसी बंदूक तथा तीन जिंदा कारतूस जब्त किए तथा ब्रघवान पाल के कब्जे से एक अदिया बंदूक 315 बोर की और तीन जिंदा कारतूस मिले, जिनको जब्त करके दोनों के विरुद्ध 25 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है तथा रघुवंशी पाल के कब्जे से सिटी 100 गाड़ी भी जब्त की गई है। आज से कुछ दिन पूर्व 16/11/2019 को पठारी ग्राम में जनवेद पाल ने कपिल प्रजापति तथा उसके पिता के साथ मारपीट की थी और अपने साथी रघुवंशी पाल, ब्रघवान पाल, सलीम मुसलमान निवासी निचरौली तथा अन्य साथियों के साथ मिलकर हवाई फायर करके गांव में दहशत फैलाई थी। इन दोनों की निशानदेही पर आज सुबह जनवेद पाल को भी गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से 315 बोर का देसी कट्टा तथा दो जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। जनवेद पाल के विरुद्ध थाने पर 6 अपराध पूर्व से पंजीबद्ध हैं। उसके खिलाफ 4 आर्म्स एक्ट के 2 लड़ाई झगड़े के अपराध पंजीबद्ध हैं। अन्य आरोपियों की पतारसी जारी है।